Mustafa 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 करनाल में दिव्यांग उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज मंगलवार को करनाल के जिला सचिवालय में दिव्यांगों ने प्रदर्शन किया और समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि प्रशासन दिव्यांगों को अपमानित कर रहा है। एक तरफ वह दिव्यांग हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी उन्हें हीन भावना से देख रहा है और उसी हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। आपको बता दें कि आज दिव्यांग इसलिए एकत्रित हुए थे कि उन्हें अधिकारी के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन जब वो सचिवालय में पहुंचे तो जिस रास्ते से दिव्यांगों को रेंग रेंग कर चलना था, वह रास्ता बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था। इसके अलावा उन्हें संदेशा भेजा गया कि वह सचिवालय नहीं बल्कि बड़ा गांव में पहुंचे। जब उनका प्रतिनिधि मंडल बड़ा गांव पहुंचा तो वहां उनके बैठने तक का कोई प्रबंध नहीं था। वहां से उन्हें दोबारा जिला सचिवालय भेज दिया गया। जब यहां पर भी उन्हें अधिकारी के पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो सभी दिव्यांग उखड़ गए और उन्होंने जमकर अधिकारी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मामले को बढ़ता देख ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनके राह में खड़ी कई गाड़ियों को क्रेन की मदद से हटाया गया। इस दौरान दिव्यांगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि अधिकारी ने उन्हें खुद बुलाया था और बुलाकर अपमानित भी किया है। जब अधिकारी को पता है कि दिव्यांग रेंग रेंग कर चलते हैं तो क्यों उनके लिए रास्ता नहीं खुलवाया गया और दूसरा सचिवालय का समय देकर 12 किलोमीटर दूर एक गांव में बुलाया गया जहां पर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उनका आरोप था कि अधिकारी तथा प्रशासन उन्हें हीन भावना से देखते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जो सम्मान एक आम इंसान को मिलना चाहिए वो दिव्यांग को क्यों नहीं मिलता? क्यों दिव्यांगों को ऐसी नजर से देखा जाता है कि वह किसी श्राप से त्रस्त हैं? यदि अधिकारियों के मन में दिव्यांगों को लेकर ऐसी भावना है तो आम इंसान उनके बारे में क्या सोचेगा, जबकि वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। हाँ दोस्तों, मैं हूँ तरुण मदान हूँ और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूँ करनाल के जिला सचिवालय में, सेक्टर 12 से जिला सचिवालय में। यहाँ पर बड़ी संख्या में दिव्यांग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इनको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इनके साथ घोर अन्याय किया गया। ना तो इनको सम्मानित किया गया बल्कि अब आप मेरे साथ देख सकते हैं कि इस तरह से मीडिया में खबर आने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को बुलाया गया। जिन वाहनों पर ये लोग आए थे, इन वाहनों को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया में आने के बाद वाहनों का मेरे साथ बात करने के लिए मैं कुछ विकलांग दिव्यांगों से बात करने का प्रयास करूंगा। आखिरकार बात क्या है और आखिरकार इनका मुद्दा क्या है? सर आज आप यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए? विकलांगों के साथ में, देखो ये विकलांगों का यूज कर रहे हैं अपने अधिकारी भी है और प्रशासन भी। उसमें मैं प्रशासन को भी कहूँगा, हम विकलांग कल्याण अधिकार समिति से हमें संस्थापक कल्याण सिंह उपाध्याय मेरा नाम है। आज से 4 दिन पहले एक अखबार में एक वो निकलवाई थी सत्यवान जी ने, जो हमारे अधिकारी हैं, वो कहने लगे हम विकलांगों को सम्मानित करवाएंगे। तो इन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, कहने लगे भाई ऐसे ऐसे आप दफ्तर में आइए, ठीक है, जितने भी आपकी समिति के मेंबर है 11, 12, 25 जितने भी हैं उनको सबको बोलिए हमारी समिति यहाँ पे आ जाएंगे और आगे फार्म भरेंगे। यहाँ पे एक फार्म भर के फिर हम आपको सम्मानित करवाएंगे। मैं ठीक है जी। हम जैसे यहाँ आए 9 बजे, उसके बाद ये बोलने लगे आपको यहाँ नहीं आना है, आपको बड़ा गांव में आना है। हम बड़े गांव में गए, फिर जाने बड़े गांव में जाने के बाद में हम एक घंटा ही ऐसे नीचे और इस पर बैठ रहे अपनी गाड़ियों पे, लेकिन कोई प्रशासन, लेकिन कोई वहाँ का सरपंच या कोई भी हमसे वार्तालाप करने के लिए नहीं आया। प्रोग्राम वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र के बारे में था, नशा भगाओ देश बचाओ, उस बारे में पहले भी हमने 5 तारीख को प्रोग्राम किया था इन्हीं के साथ में।
अब क्या हुआ है? ठीक है जी, उस वहाँ पे ना तो हमारे को सम्मानित किएगा, ना हमारे उससे डीसी साहब से मिलवाएगा, ना किसी से। उसके बाद ये थे हमारे से जिन्होंने बताया कि इनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। पहले करनाल बुलाया गया, उसके बाद इन्हें बड़े गांव में भेजा गया। बड़े गांव में इनके पास इनको बैठाने तक का प्रबंध नहीं था। उसके बाद इन्हें दोबारा यहाँ पर बुलाया गया है। इस समय ये मौजूद यहाँ पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्रेन मंगवाई गई है, इन्हें यहाँ से खदेड़ने का काम किया जा रहा है। ये देखिए, ये एक और है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देख सकते हैं आप किस तरह से। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है भैया हमारे साथ? आप बखूबी देख सकते हैं जिस तरह विकलांगों का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। यहाँ पर जो हमारे DSW हैं वो विकलांगों को गुमराह करते हैं और सरकार को भी गुमराह रखते हैं, जिससे विकलांगों को इसमें बहुत बड़ी आघात हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे कर्मचारियों को यहाँ से बदला जाए, तभी हम शांत होंगे। आपको यहाँ पर आपको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, उसके बाद आपको बड़ा गांव भेजा गया, ठीक है। अब आप दोबारा से यहाँ पर आ गए हैं, अब यहाँ पर आपके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है? अब आप इस बात को देख सकते हैं, बिल्कुल सारा रास्ता ब्लॉक है। रैंप पे भी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। दफ्तर हमारा दूसरी मंजिल पे है। बताओ, आप ही खुद समझदार हो, जो विकलांग हमारा रेंकर चलता है वो यहाँ पर आने जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। और हमने कर्मचारियों को और अपने करनाल प्रशासन को कई बार कह चुके हैं, लेकिन आज अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ पूरा एक्शन लिया जाए। नाम ले रहे हैं कि आपने उससे मिलने का प्रयास किया? हाँ, सत्यवान गिलोड, जिसने हमने मिलने का प्रयास किया, लेकिन उसने झूठ के सिवाय यहाँ पहले तो यहाँ हमारे को दफ्तर में नहीं मिले और फिर बोले बड़े गांव आ जाओ। बड़े गांव आए तो वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं थी। वापिस वहाँ से अपने दफ्तर हम करनाल फिर आए तो हमें यहाँ आने जाने का, दफ्तर में आने जाने का रास्ता तक नहीं मिला। काम तो कहाँ होने थे। आपको उन्होंने सम्मानित करना था, क्यों सम्मानित करना चाह रहे थे आपको? समिति हमारी समाज के लिए काम कर रही है सर, विकलांगों के लिए काम कर रही है। इसलिए हमारे को हम पहले भी इनसे जुड़े हुए हैं, पहले भी हमारे कई प्रोग्राम हो चुके हैं इनके और हमारे उसमें। ये सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। दिव्यांग लोग सामाजिक लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। इनके साथ अन्याय हुआ, इनको बेइज्जत किया जा रहा है। इनके लिए इनके पास आने जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। गाड़ियां ब्लॉक कर दी, गाड़ियों के माध्यम से रास्ते को रोक दिया गया है। जो दिव्यांग रेंग कर चलते हैं वो बताइए दूसरी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। मेरे साथ एक और दिव्यांग मौजूद है। सर सबसे पहले आपका नाम? मैं विकलांग कल्याण अधिकार समिति का उप प्रधान रणबीर सिंह पांचाल बोल रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये क्रेन गाड़ियों को उठा रही है, ये सिर्फ एक नाटक किया जा रहा है हमारे सामने। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था तो मैंने बोला कि एक जो यहाँ पे खड़े थे CBI के जो इंस्पेक्टर थे वो, और डायरेक्टर थे सर वो, उन्होंने बोला कि, मैंने उनको बोला कि आप यहाँ गाड़ी मत लगाओ। देखिए मैं एक अभी हम चलते हैं, मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर अधिकारी मौजूद आ चुके हैं मौके पर। मैं यहाँ पर देखता हूँ, दिखाने का हम प्रयास करते हैं कि अधिकारी क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय में, सब कुछ इस विषय में। ये अधिकारी एक छोटी सी बात है, बाकी थोड़ी साइड करके और चले गए थे। अगर हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग हमारे साथ ये दुर्व्यवहार करेंगे तो हम किससे उम्मीद करेंगे? तो सर ऑफिस में है ना, DSW ऑफिस है यहाँ पे एजुकेशन। ये जो विकलांग एक्ट है, विकलांग एक्ट में ये चीजें लिखी गई है। सर आप डिपार्टमेंट से हैं? हाँ हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? चलो नहीं, इसके लिए तो हमें इस चीज का मालूम नहीं था ना, यहाँ ये विकलांगों के लिए ये था। किस लिए बुलाया इन दिव्यांग जनों को, किस लिए बुलाया गया था आज? हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आपको जानकारी नहीं?
प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 विकलांग कल्याण अधिकार समिति जिंदाबाद, 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 आवाज दो, समाज को बचा रखता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्तावन डी लोड करनाल जो समाज कल्याण अधिकारी हमारे उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है। आज क्या भेदभाव किया, क्या आज आज उन्होंने हमने उनसे मिलने के लिए टाइम मांगा गया था और आज का जो उन्होंने टाइम दिया उन्होंने खुद मेरे को बुलाया था। और हरियाणा सरकार 3 दिसंबर को जो विकलांग विश्व दिवस है उसके उपलक्ष्य में पारितोषिक देना चाहती विकलांगों को, उसके लिए आवेदन मांगे गए थे। आज की उसकी लास्ट डेट है, उसकी आज लास्ट डेट है और जो कि आज 5 बजे तक की लास्ट डेट है। और उन्होंने सत्यवान जी ने दैनिक जागरण के माध्यम से ये खबर निकलवाई भी थी और हमने शनिवार को उनसे बात की थी। तो पहले खुद बुलाया गया और उसके बाद खुद ही वो दूर चले गए हैं। आज वो मौके पर यहाँ मिले नहीं और उसके बाद हमने फोन कॉल की तो उन्होंने बोला बड़े गाँव में आ जाओ। बड़े गाँव में हमारी जो कमेटी गई है वहाँ पे हमारे को ना तो बैठने की व्यवस्था की गई है और जब डीसी साहब वहाँ मौके पे थे हमारे को कोई भी मौका नहीं चाहे। हम गए थे 12 लोग हम गए थे कमेटी के जो पदाधिकारी थे विकलांग कल्याण अधिकारी समिति के जो पदाधिकारी थे हम सभी लोग वहाँ गए थे। हमारे को ना तो बैठने की कोई व्यवस्था थी और ना हमारे को कोई पूछा। अब आप यहाँ पर किस लिए आए? आज हम मौके पे आए थे अभी प्रशासन की वजह से जो आपके चैनल के माध्यम से सर आज हम सत्यवान लोड से मिलने के लिए आए थे। समाज कल्याण अधिकारी से मिलने के लिए आए थे। वो उन्होंने देख सकते हैं आप ये देख रहे थे किस तरह से विकलांगों में पूरा रोष है। सरकार और अधिकारी के खिलाफ इन्होंने पूरा रोष प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अभी भी दुर्व्यवहार हो रहा है इनके साथ। हमारे साथ और विकलांग देखिए ये बताने दिव्यांग जन है और भी है जो बात करने का प्रयास कर। इनका ये कहना है कि अधिकारी इनसे मिलने को तैयार नहीं है, समय देकर इनके साथ इनको समय देकर उनको यहाँ पर बुलाया गया लेकिन अधिकारी इनसे मिलने को तैयार नहीं। इनको पहले बड़ा गाँव बुलाया गया जहाँ पर इनके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर भी जो दिव्यांग जन है इनका जो दफ्तर है, इनका जो अधिकारी का दफ्तर है वो दूसरी मंजिल पर है, लेकिन ये जो दिव्यांगजन है जो रेंग कर जाने वाले हैं उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी एम्बुलेंस क्रेन को बुलाकर यहाँ से गाड़ियों को हटाया गया, उनके लिए कुछ रास्ता क्लियर किया गया है। अब आगे देखना क्या होगा, किस तरह से इनमें रोष है वो देखना होगा कि इनमें रोष किस प्रकार से आप देख सकते हैं। कोई रास्ता नहीं मिला। पहले तो हमें यह बोला गया DSW की तरफ से कि हमारे कोई डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है बड़ी गाँव में, आप बड़ी गांव में आ जाइए वहां से आपसे मिला जाएगा। हाँ बड़ा गांव यार, यहां से हम लोग 12 किलोमीटर चल के गए हैं। अब आप हमारी सिचुएशन देख सकते हो, विकलांग किससे मांग करें सर? मांग करने वाला सुनिए मेरे पास, मैं ये बता रहा हूँ। चाहते कि मतलब क्या चाहते हैं यार जो रैंप आप हम ये चाहते खाली रहे, मैं नहीं चाहता हूँ। ये संविधान कहता है अकॉर्डिंग टू संविधान विकलांग एक्ट जो है उसमें लिखा गया है बकायदा कि जो प्रॉपर रैंप बनाया गया है विकलांगों के लिए आने जाने के लिए किसी भी बिल्डिंग के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है। जब मेरे खुद के डिपार्टमेंट में ये हाल है कि रैंप के सामने गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है, क्या उम्मीद करते हैं हम दूसरे डिपार्टमेंट में रास्ता दिया जाएगा? आपको कोई अपने घर पर बुला के गेट बंद कर ले आपको कैसा लगेगा? DSW में खुद इन्वाइट करते हैं यहाँ पे आने के लिए, आगे से सब कुछ गाड़ियां अड़ा रखी है। देखिए अधिकारी इनको खुद बुलाते हैं, खुद इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इन्होंने ये भी मिसाल दी कि अगर आप अपने घर में किसी को बुलाते हैं और अपने घर का गेट बंद कर लेते हैं तो उसको कैसा लगेगा। ये दिव्यांगजनों की पीड़ा है कि अधिकारी ने उनको अपने दफ्तर में बुलाया और उसी दफ्तर के आगे रैंप के आगे ही गाड़ियां खड़ी करके रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जबकि दिव्यांगजनों के लिए ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये रूल है कि इनका चाहे वो सरकारी दफ्तर है चाहे वो प्राइवेट दफ्तर है इनके आने जाने के लिए बकायदा एक रैंप होना चाहिए, उस रैंप को हमेशा खाली रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ लगा दी गई थी जिससे रैंप का रास्ता ब्लॉक हो गया था। मीडिया में खबर आने के बाद और बात उछलने के बाद तब ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी ने अगर कुछ 2-3 गाड़ियों को यहाँ से हटाया है और उनके लिए रास्ता क्लियर करने का किया। लेकिन फिलहाल इनके मन में अभी तक यह रोष है कि इनको बुलाकर इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इनको अपमानित किया गया, जिस अपमान को यह नहीं सहेंगे। यहाँ से बुलाने के बाद इनको 12 किलोमीटर दूर बड़े गांव में बुलाया गया, वहां पर भी ना तो इनके लिए कोई समुचित व्यवस्था थी ना इनके बैठने के लिए कोई सरकार ने व्यवस्था कर रखी थी, जिसको लेकर ये बड़े अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैं इनसे और बात करने का प्रयास करूंगा। सर अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि विकलांगों के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, जो गवर्नमेंट कर रही है, जो हमारा प्रशासन कर रहा है, जो हमारे अधिकारी कर रहे हैं, ठीक है, वो विकलांगों के साथ में ना हो। ठीक है, विकलांग भी है हमारे ही समाज का हिस्सा, आपके समाज का हिस्सा है, तो उसके साथ में ऐसा भेदभाव क्यों है? हम ये चाहते हैं कि जैसे एक आम लोगों को आप इज्जत देते हो, अहमियत देते हो, ऐसे एक दिव्यांग को भी अहमियत और इज्जत देना सीखिए।
ठीक। देखिए इनके मन में पीड़ा है, इनके मन में पीड़ा है कि दिव्यांगों के साथ सरकार या जिला प्रशासन भेदभाव क्यों करती है। जैसे आम इंसान को इज्जत दी जाती है, उसकी आवभगत की जाती है, तो ऐसे दिव्यांगों के साथ क्यों नहीं किया जाता। इनके मन में यह पीड़ा लगातार है, लेकिन फिलहाल इनके मन में अभी तक रोष है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भी किस तरह से जिस बिल्डिंग पर ये जाना चाहते हैं उस रैंप के आने जाने पर का रास्ता क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये अपने आप को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में अभी तक बिल्कुल ये इनके मन में टीस है। पार्किंग में आप देख सकते हैं कि ये वो रास्ता है, रैंप है, जहाँ से दिव्यांगजन आ जा सकते हैं, लोग आ जा सकते हैं, लेकिन इसके आगे, इस रैंप के आगे ही गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी, जिससे इनके आने जाने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया। इस बात को लेकर वो अपने आप को अभी तक अपमानित महसूस कर रहे हैं। यह पीड़ा उनके मन से और उनकी आंखों से साफ झलकती है किस तरह से ये सरकार द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया, करनाल प्रशासन और एक अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। मैं तरुण उदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.